शाहरुख खान ने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बेस्ट टू बेस्ट पढ़ाई, बेस्ट टू बेस्ट एटमॉस्फेयर उन्हें देने की कोशिश की, बेस्ट से बेस्ट कपड़े और बेस्ट लाइफ कैसे एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को दे सकते हैं वो शाहरुख खान ने दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद आज शाहरुख खान इस तरीके से बंधे हुए हैं कि वो अपने बेटे को घर का बना खाना भी नहीं पहुंचवा पा रहे हैं, या फिर वो खाना भी नहीं पहुंचवा पा रहे हैं जो उनके बेटे को पसंद है या जो वो खाकर खुश होएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आर्यन खान को 2 दिन हो गए हैं एनसीबी की कस्टडी में। इसी बीच आर्यन खान के साथ जितने भी लोग हैं वो सभी लोग हाई प्रोफाइल है। कल खबर आई थी कि कैसे अरबाज जो कि आर्यन का दोस्त थे, कोर्ट में उसके पिता उसके लिए घर का बना खाना लेकर पहुंचे थे। आर्यन को भी खाना खाने के लिए पूछा था लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। आज खबर आई कि एनसीबी के ऑफिस के बाहर कुछ कपड़ों के बैग्स हैं और कुछ मैगडी के बैग्स हैं, यानी कि इन हाई प्रोफाइल बच्चे जो इस वक्त ड्रग्स के मामले में एनसीबी की कस्टडी में है, इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे खाना आराम से खाए, इसलिए मैगडी के बर्गर्स और फ्राइज इनके लिए पहुंचवा दिए गए हैं। लेकिन एनसीबी ने ये कुछ भी अलाउ नहीं किया, चाहे शाहरुख खान का बेटा हो या किसी बड़े वकील का बेटा हो। एनसीबी ने ये बात क्लियर कर दी है, स्पष्ट कह दिया है कि जो खाना एनसीबी में कस्टडी में रहने वाले लोगों के लिए बनता है वही खाना आपको खाना है। घर से बना खाना आप नहीं खा सकते, आप कोई मेहमान नहीं हो, आप ड्रग्स मामले में अंदर हुए हो, यहाँ एनसीबी के गेस्ट नहीं हो कि आपको इस तरीके की वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। आप वीआईपी होंगे यहाँ से बाहर, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स के जुर्म में शक है कि आप ड्रग्स में लिप्त हो, ड्रग्स की खरीद फरोश करते हो, इसलिए आपको यहाँ लाया गया है। तो यहाँ जो फूड एनसीबी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आपको वही खाना खाना है। इतना ही नहीं, आज सुबह सुबह गौरी खान भी एनसीबी के ऑफिस पहुंची अपने बेटे का ख्याल करते हुए। उन्होंने मैगडी के कुछ पैकेट्स एनसीबी के ऑफिस पहुंचवाए और कुछ नए कपड़े आर्यन खान के लिए पहुंचवाए, लेकिन एनसीबी वालों ने बाहर का खाना अलाउ ही नहीं किया। चाहे आर्यन खान हो या कोई भी हो, चाहे शाहरुख उनके पिता हो, एनसीबी ने ये खाना अलाउ नहीं किया और ये फूड पैकेट्स बाहर ही पड़े रहे। जिसके बाद एनसीबी के ऑफिसर्स ने बलार्ड एस्टेट के पास ही एक स्ट्रीट फूड वेंडर है उसको कहा खाना बनाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एनसीबी का जो ऑफिस है वो एक पुरानी बिल्डिंग में है, वहाँ पर प्रॉपर कैंटीन या कैफेटेरिया नहीं है, इसीलिए एक लोकल स्ट्रीट रेस्टोरेंट से इन लोगों के लिए खाना मंगाया गया। इस खाने में दाल चावल, बिरयानी और पूरी भाजी मंगाई गई और सभी को ये खाना पेपर प्लेट्स में दिया गया। तो ये है जिंदगी की असली सच्चाई। चाहे आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पिता का नाम कितना भी बड़ा हो, लेकिन जहाँ कानून है वहाँ कानून की प्रक्रिया उसके हिसाब से ही चलती है और आपको उसे फॉलो करना ही पड़ता है। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपनी मूवीज में तो कानून की बहुत वाहवाही करती नजर आती है। जब भी किसी फैसले की बात आती है तो कानून की उस अंधी मूर्ति को दिखा दिया जाता है, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में एक अलग ही दौर देखने को मिला है। जैसे ही शाहरुख के बेटे पकड़े गए तो सब बोल पड़े, सब ये कहने आए कि एनसीबी को तो फेमस होना है इसीलिए शाहरुख के बेटे को पकड़ा है। कहां थे ये लोग पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद इस ड्रग्स की छानबीन शुरू हुई थी और तभी से कहा गया था बहुत बड़ी मछलियां इस मामले में हैं, बस वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत करनी है। और कह सकते हैं कि एनसीबी के हाथ में ये बड़ी मछली आई है, और ताजुब की बात तो ये है कि ये बड़ी मछली एनसीबी ने समंदर से ही पकड़ी है।